नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कमल गौतम है और मैं रेजोनेंस से हूँ। और आज हम गुरुकुल सेंटर जो कि CUET का है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम अब होने वाला है। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्षित कुमार त्रिपाठी। हर्षित कुमार जी, किसका एग्ज़ाम था आज? कौन से पेपर थे आपके? मेरा पॉल साइंस का था, ज्योग्राफी का था और इंग्लिश का था। तो CUET का पैटर्न नया आया है, नई चीज़ आई है, कैसा है? एग्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर NCERT ढंग से पढ़ी है डिटेल में तो एग्ज़ाम क्रैक है। मतलब जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि NCERT से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, तो सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा लगा लैंग्वेज पार्ट पे या डोमेन पार्ट पे कुछ डिफरेंस है या कुछ ऐसा डिफरेंस? नहीं, सब इजी आया था। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? मैंने DU के लिए अप्लाई किया है, मेनली वही मेन फोकस है। और बाकी तो फिर एक्स्ट्रा में BHU है, अलाहाबाद है और JNU। कौन से स्ट्रीम से हैं आप? मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। आर्ट्स स्ट्रीम से? तो आप देख रहे हैं साइंस आर्ट्स कॉमर्स हर स्ट्रीम का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। CUET एक ऐसा एग्ज़ाम बनाया गया है जिसमें हर स्ट्रीम का बच्चा पार्टिसिपेट करके वेरियस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे बीच में हैं। सर सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? सर शिवराज जी। सर हमारे बीच में, आप किसको एग्ज़ाम दिलाने आए हैं? आपकी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने आए। तो सर CUET को लेके आपकी बेटी बहुत एक्साइट होगी क्योंकि नया एग्ज़ाम है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कराया उन्होंने? बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने अप्लाई करा है। तो इसके लिए कहीं कोचिंग कराई थी उनको आपने? कहाँ पे सर? ये ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी। पर ऑफलाइन कोई क्लासेस नहीं है अभी भी, बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस हो इसकी, ताकि वो रेगुलर मोड पे इसको कर सकें, तैयारी कर सकें। तो इसीलिए रेजोनेंस भी ये कोशिश कर रहा है सर कि हम रेगुलर मोड पे इनको ऑफलाइन क्लासेस दे सकें बच्चों को। कुछ बच्चे और पेरेंट्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और पेरेंट्स को लेके हम पूछना चाह रहे हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी मीणा। सर अपने बेटे को एग्ज़ाम दिलाना है? तो सर आप पे किस तरह का प्रेशर है, क्योंकि CUET का एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है और पेरेंट्स भी थोड़े से, जैसा हमने देखा है कि और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो थोड़े से बच्चों को लेकर प्रेशर में होते हैं कि उनको कैसे तैयारी करवाएं, वो किस तरह से तैयारी करें। तो आपका CUET के बारे में क्या कहना है, इस एग्ज़ाम के बारे में क्या? CUET के बारे में तो क्या, सिलेबस भी थोड़ा वो करना चाहिए, इनको डिफाइन करना चाहिए। और डिफाइन करने के बावजूद फिर इनको जैसे जो सेंटर है, सेंटर भी अपने हिसाब से थोड़ा नज़दीक देना चाहिए, उससे क्या बच्चे को भी परेशानी है और पेरेंट्स को नहीं है। तो थोड़ा सा सेंटर को लेके परेशानी आ रही है पेरेंट्स को, बच्चों को ढूंढने में। और जैसा कि ये बता रहे थे स्टूडेंट्स के, एक का सेंटर एक इस सिटी में दे दिया, दूसरे दिन का दूसरी सिटी में दे दिया, वो भी इनको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप सेंटर को लेके? क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र पाल। आज किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था पुष्पेंद्र? जनरल टेस्ट, ज्योग्राफी और इंग्लिश। तो क्या कहना चाहेंगे आप सेंटर को लेके? सेंटर सर यही दिक्कत है कि इनको नंबर ऑफ सेंटर बढ़ाने चाहिए ताकि रीचेबल हो हर स्टूडेंट के लिए। तो अब देखो आप, अलग अलग जगह से पेरेंट्स हैं, उनको बहुत दूर दूर से आना पड़ रहा है, तो शेड्यूल ख़राब होता है ना। अच्छा नहीं, चलिए। और एग्ज़ाम के बारे में क्या कहेंगे, कैसा था एग्ज़ाम? तो लिबरल आया था, इजी था पेपर भी। तो कंप्लीट जो NCERT का बोला था गवर्नमेंट ने, NTA ने, वही सिलेबस आया है या कुछ आउट ऑफ सिलेबस? सर NCERT है और जनरल एबिलिटी टेस्ट में बस थोड़ा सा मीन्स करंट अफेयर्स भी ऐड किया। किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन बताना चाहेंगे आप? क्वेश्चन सर मेन इंग्लिश में जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आए थे, पैराग्राफ में आ गए थे, और जैसा अपना पर्सनिफिकेशन वगैरह होता है वो सब बताना होता है उसमें आए थे। अब एंटोनियम सिनोनियम सी इंग्लिश का तो लिबरल रखा है बहुत ज़्यादा। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश करी थी, मीन्स केस स्टडीज़ देख के उसमें थोड़ा बहुत है फंसाने वाली चीज़ें, बाकी तो सही था। मतलब ज्योग्राफी में, अच्छा, तो ज्योग्राफी में आप बता रहे हैं केस स्टडीज़ के थ्रू सॉल्यूशन करने के थे, तो मुझे ऐसा लगता है केस स्टडी के थ्रू सॉल्यूशन करना तो ज़्यादा इजी है। इजी है, पर जैसे मीन्स आपको इंदिरा गांधी नहर थी, उसका टोटल है 19.4 किलोमीटर लेक किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया एरिया डिफरेंस, ठीक है ना। अब उसमें कोई भी इंसान होगा तो वो डिफरेंस निकालेगा स्टेज वन स्टेज टू का, तो 5 के समथिंग कुछ आता है ना। पर उसके बाद क्या होता है ना कि उसमें ऑप्शंस ऐसे होते हैं तो घुमा देते हैं, तो इसलिए हल्की सी ट्रिकी होते हैं, बाकी कर तो सकते हैं। लिबरल था पेपर, मतलब पेपर सही था, बट थोड़ा सा ट्रिक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहना उसका मतलब ये है कि बच्चे ये चाह रहे हैं कि थोड़ी सी CUET की तैयारी और ज़्यादा करनी पड़ेगी इनको, अपने DU में जाने के लिए या BHU में जाने के लिए, या मैं कहूँ तो अपने ड्रीम्स यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।